नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर लर्निंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। चलिए आज हम देखते हैं क्लोन स्टैम्प टूल और पैटर्न स्टैम्प टूल, इन दोनों टूल का काम कैसे होता है। ये फोटोशॉप पर मेरा 5वां वीडियो होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब। देखिए, मैंने यह इमेज इंटरनेट से डाउनलोड किया। ये इमेज इंटरनेट से डाउनलोड, जैसे ये क्लोन स्टैम्प टूल के लिए तो हमें क्या करना है, जो इमेज के साथ काम करना है। तो जैसे ये इमेज हम लिए, अल्ट के साथ इस इमेज पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक किए और जहाँ हमें ये चाहिए तो वहाँ देखिए माउस हमें ट्रैक करेंगे, बस ये हमें इमेज बन जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार का बन रहा है। माउस को केवल हमें साफ करना है, माउस से फोटो को देखिए बन रहा है ना कुछ इस प्रकार का। देखिए क्लोन स्टाम्प टूल का काम होता है, एक स्टाम्प जैसे मोहर लोग मारते हैं ना, उस तरीका ये मोहर की तरह मार देगा। देखिए ये इमेज अच्छा खासा बन गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा बैकग्राउंड को, बस हो गया, देख लिए। उसके बाद इसे हम मिनिमाइज करते हैं, इंटरनेट से कोई न्यू बैकग्राउंड लेते हैं। जैसे हम कोई अदर बैकग्राउंड लेते हैं, जैसे हम ये बैकग्राउंड लिए, कॉपी कर लेंगे और फोटोशॉप में आकर कंट्रोल एन देंगे और इंटर मार के कंट्रोल भी देंगे, हो गया। अब हम इस समय यहाँ पर ये वाला इमेज को हम देखते हैं। इस इमेज के लिए फिर ये क्लोन स्टाम्प टूल लेंगे, अल्ट के साथ एक बार फोटो को क्लिक करेंगे। देखिए अल्ट प्रेस करने के बाद माउस का कर्सर चेंज हो जाता है और जहाँ देना है वहाँ आप लोग हल्का हल्का साफ कर दीजिए। देखिए हमने साफ कर रहे, अगर आप लोग को ये शेप का साइज अगर बहुत बड़ा और छोटा करना है तो ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज का बटन प्रेस कीजिए तो ये बड़ा और छोटा दे जाएगा। माउस से इसे आप लोग साफ कर दीजिएगा। देखिए हमने कुछ इस प्रकार के साफ कर दिए, अच्छा लग रहा है। इन टूल का मुख्य रूप से यही होता है जो किसी भी बैकग्राउंड के साथ बनाने के लिए। चलिए उसके बाद अगले टूल जो है पैटर्न स्टाम्प टूल। जैसे ये टूल लिए तो आपको यहाँ पैटर्न सेलेक्ट करने पड़ेगा, कौन सा पैटर्न। जैसे ये इमेज है, इनको पैटर्न के साथ अगर कुछ देना है पैटर्न, तो इससे यही होता है। और मुख्यतः इसमें हमें नहीं लगता है कुछ काम होता है, हो सकता है तो हमें इसकी जानकारी पूरी तरीका से नहीं है। इस टूल में आप अलग अलग प्रकार के आप लोग शेप ले सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इस चैनल को